दोस्तों आज हम काफ़ी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्मार्टफोन ये कौन सा है। ये है यहाँ पर मोटो G60। तो भाई काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन था ये जब लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी काफ़ी दिनों से इसमें जो मेन प्रॉब्लम देखने को मिली है लोगों को वो है इससे स्क्रीन से रिलेटेड। तो आप यहाँ पर लाइव देख सकते हो कि कोई इस फ़ोन को टच नहीं कर रहा है, लेकिन ये स्क्रीन फिर भी यहाँ पर खुद से चले जा रही है। इसको यहाँ पर नाम दिया गया है घोस्ट स्क्रीन। तो भाई घोस्ट स्क्रीन इसलिए इसको नाम दिया गया है क्योंकि ये आप देख सकते हैं खुद से ही चली जा रही है। इसको बल्कि कोई यहाँ पर यूज़ भी नहीं कर रहा है फिर भी ये चले जा रही है। आप देख सकते हैं मेरा टच भी ये यहाँ पर नहीं ले रहा है। इसको अगर आपको ठीक करना हो तो आपको यहाँ पर पहले पावर बटन से इसे वापसी स्टार्ट करना पड़ता है, उसके बाद ये यहाँ पर जाके थोड़ा सा ठीक हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम मैक्सिमम यूज़र्स को आ रही है। काफ़ी लोगों ने पहले कमेंट किया मेरी पुरानी वीडियोस में, लेकिन मुझे उस टाइम लगा कि हाँ यार एक दो स्मार्टफोन में शायद से दिक्कत होगी, लेकिन बोलते हैं ना जब तक आपके साथ यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आई तब तक आपको समझ में नहीं आता कि हाँ भाई प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। तो जब मेरे साथ हुआ तो मुझे अब पता लग चुका है कि हाँ ये सच में एक सीरियस इशू है और काफ़ी सारे लोगों के साथ ये देखने को मिल रहा है। और मैं आशा करता हूँ कंपनी वालों से कि भाई अभी मैंने लेटेस्ट अपडेट किया उसके बाद भी ये मेरे साथ हुआ, तो मतलब अपडेट में कुछ ऐसा था नहीं जिससे कि ये प्रॉब्लम ना देखने को मिले। तो भाई ये प्रॉब्लम है जो आप अभी एक बार और वीडियो देख सकते हो किस तरीके से ये स्क्रीन चल रही है। तो भाई बिल्कुल लाइव है ये और ऐसी वीडियोज़ यूट्यूब पे मैं डालता रहता हूँ, और जल्दी ही हम कैमरा टेस्ट लाएंगे यहाँ पर सैमसंग का जो F13 आया है और काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स का। तो अब आपको वीडियो रेगुलर देखने को मिलेगी, और आपके अगर फ़ोन के साथ ये हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हो।